अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देहरादून बकरा मंडी का आज का न्यू अपडेट है। ये मेरा देहरादून बकरा मंडी का नाम चैनल है और ये मंगलवार का दिन है आज। और ये अपना फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साइड में मंडी लगती है और मैं मंडी में थोड़ा लेट से आया हूँ। तो यहाँ पे मतलब जो मैंने देखा है काफ़ी टाइम से, दो तीन मंडी से जो मैंने पिछले मंडी वीडियो में बनाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे काट का माल ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हो आप, ए टू जेड काट का ही माल है, ये देख सकते हो आप, सब काट का ही माल है मतलब ज़्यादा मंडी में। तो इस वजह से मैंने पिछली मंडी भी वीडियो नहीं शूट की कि पालने लायक जो बच्चा है उस हिसाब से आए नहीं था यहाँ मंडी में। आप भाई ने इंतज़ार करो किसी ने मेरी वीडियो का कि वीडियो क्यों नहीं आई, तो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई भाई कि यहाँ पे काट का माल ज़्यादा था। जब पालने का माल कोई अच्छी नस्ल आती है मैं तो वो ज़्यादा मतलब दिखाता हूँ मैं अपनी वीडियो में। और भाइयों के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मुर्गा मंडी की वीडियो शूट करो, तो मैं अब मुर्गा मंडी की वीडियो ज़रूर शूट करूँगा भाई। ये देख सकते हो आप, मतलब काट की मंडी, काट के पर्पज़ से ज़्यादा माल आ रहा आजकल यहाँ पे मंडी में, देख सकते हो आप, मतलब 70-80% काट का ही माल आ रहा, पालने का तो बहुत कम माल आ रहा है, देख सकते हो आप, सब काट का ही माल एक तरफा। इसमें कोई अच्छी नस्ल आई है तो आपको ज़रूर दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो अंडू बकरे ब्रीडर है, रिटायर हो जाते हैं तो ये काट में जाते हैं बकरे, ये फार्म पर रखने लायक चीज़ नहीं होते, देख सकते हो आप, ब्रीडर है दोनों। ये खस्सी बकरे देख सकते हो आप, ये पालने लायक चीज़ है दो बच्चे। क्या मांग रहा भाई इनका, हाँ भाई क्या मांग रहा इनका, क्या मांग रहे सचिन, चल बुला लिए, देख सकते हो आप इधर सब काट का ही माल है। इधर ये काट का मैं रेट बता दो आपको, 6,000-7,000 रुपए के हिसाब से, पट्टी के हिसाब से मिलता है ये काट कमल। इसमें मतलब मेल कम आते हैं, फीमेल ज़्यादा रहती है काट के हिसाब से, देख सकते हो आप, ये पट्टी के हिसाब से ही माल उठाना पड़ता है। 6,000-7,000 रुपए के रेंज के कोई भी अगर भाई आए इतने ही रेट में मिलता है, इससे ज़्यादा मगर कोई कहे तो महंगा है, देख सकते हो आप, सब इसी रेट में मिलेगा आपको, ये रेट चलता है यहाँ पर मार्केट में, देख सकते हो आप। यही कि मिंडा आया हुआ है, ये कौन सा नस्ल है मुझे कमेंट करके बताना भाई, अगर किसी भाई को पता होगा नॉलेज में। यहाँ पर मतलब मिंडे भी अब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी आ रहे हैं, अगर कोई मेरा भाई लेना चाहे कहीं से भी, दिल्ली से या कहीं से भी, तो आ सकता है, लेकिन आने से पहले एक बार मुझे कॉल कर ले ज़रूर। देख सकते हो सब काट में माल जाता है सब ज़्यादातर। देख सकते हो इधर सब काट में माल है। देख सकते हो आप, एक तोता पर क्रॉस में बकरा है, डबल हड्डी का बच्चा है, ये इधर बच्चे सब, देख सकते हो आप छोटे बच्चे सब, ये बच्चे भी यहाँ पे रेट में बता दूँ आपको, 6,000-7,000 रुपए के हिसाब से बच्चे मिलते हैं यहाँ पे, ये सब डाग नस्ल के है, देख सकते हो आप बच्चे। हाइट भी मैं इनकी बता के चलूँ, हाइट इनकी बड़ी होने के बाद दो दांत पे करीब करीब 32-33 के आसपास हो जाती है इनकी हाइट। देख सकते हो इधर सब काट का ये माल, पालने के हिसाब से कोई बच्चा नहीं है। देख सकते हो आप,
बच्चा बढ़िया लग रहा है मुझे, ये डांग नस्ल में ही है, मतलब क्रॉस में ही है। काट के हिसाब से मंडी है, ज़्यादा खास रेट मैंने आपको बता दिया, काट का 6-7 हज़ार रुपये के हिसाब से पट्टी मिलती है और बच्चों नॉर्मल 6-7 हज़ार रुपये के हिसाब से मिलते हैं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, इस टाइप के बकरे खड़ा देखो आप अंडू, ये 7-7.5 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा मार्केट में, मतलब 8-8.5 हज़ार रुपये में तुम्हें अच्छा अंडू बकरा मिल जाएगा यहाँ पे काट के हिसाब से, अगर कोई भाई लेना चाहे। फीमेल का रेट कम होता है, मेल का ज़्यादा होता है। ये थी आज की मंडी, अपनी वीडियो यहाँ पर कम्प्लीट करता हूँ, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी आपको।